हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो के अंदर डिफरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो के सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे एक भाई ने कमेंट में पूछा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में वीडियो लाजमी से बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि आखिर यार फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो के अंदर आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो में मेनली डिफरेंस ये है उसका UI यानी कि उसका यूजर इंटरफेस। अगर आप लोग फिल्मोरा 9 ओपन करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक किस्म का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप लोग फिल्मोरा प्रो ओपन करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का एक UI देखने को मिलता है। UI से मतलब यूजर इंटरफेस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि फिल्मोरा 9 जो है ना वो तो आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होगा, यानी कि आप लोग समझ रहे हो ना किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को वो वाला वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फिल्मोरा प्रो की बात करते हो तो आप लोगों को फिल्मोरा प्रो का वो वाला वर्जन जो यहाँ पर बस समझ रहे हो ठीक है ना, वो वाला वर्जन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। उसकी ये रीज़न है क्योंकि फिल्मोरा प्रो एक बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप लोगों को खास तरह की एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है जो कि फिल्मोरा खुद से जनरेट यानी कि वंडरशेयर वाले खुद से जनरेट करते हैं तो ही आप लोगों को की मिलेगी। तो इसका वो वाला वर्जन अवेलेबल नहीं, तो खुदा रहा यार मुझसे इंस्टाग्राम को कम से कम फिल्मोरा प्रो ना मांगो, फिल्मोरा 9 मांग लो, एडोबी प्रीमियर प्रो मांग लो, फिल्मोरा प्रो ना मांगो। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिल्मोरा प्रो के कुछ चीज़ों के बारे में और फिल्मोरा 9 की चीज़ों के बारे में। अब फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो में आप लोगों को एक और मेन डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि फिल्मोरा 9 के अंदर आप लोगों को कस्टम टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, कस्टम है वहाँ पर आप लोगों को प्री इंस्टॉल्ड आप लोगों को ट्रांजिशन देखने को मिलती हैं, आप लोगों को इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली बात यह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी आप लोगों को नज़र आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंपल हैं। अगर आप फिल्मोरा प्रो की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को तमाम चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेंगी, यानी कि आप लोग कह लीजिए कि जो अडोबी का प्रीमियर प्रो है ना, अडोबी प्रीमियर प्रो की तरह सेम टू सेम फिल्मोरा प्रो को भी डिज़ाइन किया गया। अब ये बात यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि किसी ये किस कंपनी ने उसका डिज़ाइन चोरी किया है या उसकी चीज़ें चोरी कर ली हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हर कंपनी अपना अपना काम करती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जरूर दे देता हूँ कि यहाँ पर अडोबी प्रीमियर प्रो से इंस्पायर होकर फिल्मोरा प्रो को डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप लोग फिल्मोरा प्रो के अंदर भी वही सेम काम कर सकते हैं जो आप लोग अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर करते रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूँगा, फिल्मोरा 9 आप लोगों का की फ्रेम फीचर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आई थिंक सो फिल्मोरा 9.4 के अंदर, क्योंकि अभी 9.3 चल रहा है, फिल्मोरा 9.4 के अंदर आप लोगों को वहाँ पर आई थिंक सो की फ्रेम एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये फीचर आप लोगों को फिल्मोरा प्रो के अंदर देखने को मिल जाता है और अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर भी आप लोगों को यही चीज़ देखने को मिल जाती, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। तो अगर आप लोगों को एनिमेशन वगैरह करनी है तो आप लोग डेफिनेटली या फिल्मोरा प्रो की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोगों को नॉर्मल एडिटिंग करनी है या यूट्यूब की वीडियोज़ एडिट करनी है, वो भी डेली बेसिस के अगर वीडियोज़ एडिट करनी है, आप लोग रेगुलर यूट्यूबर है मेरी तरह, तो आप लोग या फिल्मोरा 9 की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का सॉफ्टवेयर ही चाहिए तो ही आप लोग ये काम कर सकते हैं, आपकी वीडियोज़ अदरवाइज बनेंगी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो फिल्मोरा 9 को भी चूज़ कर सकते हो, फिल्मोरा प्रो के साथ भी जा सकते हो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन से सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है। मेरी यहाँ पर ये रिकमेंडेशन कि अगर आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल में काम करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा आप लोगों को बखेड़ा नहीं करना, कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को एडवांस लेवल पर नहीं जाना, तो आप लोग फिल्मोरा 9 यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को की फ्रेमिंग करनी है, मतलब एनिमेशन करनी है, कुछ डिफरेंट काम करना है, तो आप लोग अडोबी प्रीमियर की तरफ भी जा सकते हो और फिल्मोरा प्रो की तरफ भी जा सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग कलर ग्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, तो फिल्मोरा 9 ठीक है और फिल्मोरा प्रो के अंदर आप लोगों को सेम पैनल देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये हो कि आप लोग वही लेवल की प्रोफेशनल लेवल की कलर ग्रेडिंग फिल्मोरा 9 के अंदर भी कर सकते हो, फिल्मोरा प्रो के अंदर भी कर सकते हो। तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि वहाँ पर आप लोगों को तमाम चीज़ें, मतलब फिल्मोरा प्रो के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें जितनी भी चीज़ें ना वो आप लोगों को खुद से करनी पड़ेंगी, यानी कि मैनुअली करनी पड़ेंगी, जबकि फिल्मोरा 9 के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब हर चीज़ आप लोगों को ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैनुअली एडिट करनी पड़ती है, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो वीडियो देखने का यार बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग यार बार बार मैसेज करते हैं कि सर आपने कहा था फिल्मोरा प्रो देंगे, तो दे ना, क्यों नहीं दे रहे। तो इसकी यार सीधी सी बात यह है कि फिल्मोरा प्रो मैं इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि जब मैंने फिल्मोरा प्रो की बात की थी तो वहाँ पर मैंने 22 फिल्मोरा
प्रो के ऑफिशियल ओरिजिनल सेटअप बाय करके, ठीक है, उस टाइम फिल्मोरा के ऊपर सेल चल रही थी, 22 फिल्मोरा प्रो के सेटअप मैंने बाय करके आप लोगों में से 22 लोगों को दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फिल्मोरा प्रो नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों में मैं साफ तरीके से कह रहा हूँ मेरे पास फिल्मोरा प्रो नहीं है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ फिल्मोरा 9 पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को फिल्मोरा प्रो 9 चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग यूट्यूब पे नीचे कमेंट करोगे कि हमें फिल्मोरा 9 चाहिए तो आप लोगों को वहाँ पे मैं कभी भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। और वैसे भी यार ज़्यादातर ये होता है कि जितने भी मेरे कमेंट्स होते हैं ना वो मैं ज़्यादातर मैं ही रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी टीम भी रिप्लाई करती है, तो कभी भी ये नहीं होगा कि मैं आप लोगों को लिंक डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे रब्ता करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को मिल पाएगा जो कुछ आप लोग चाहते हैं। हाँ, उसके अलावा डॉग प्रीमियम प्रो में आप लोगों को दे सकता हूँ अगर आप लोगों को ज़रूरत हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ कैसे लगी आप लोगों को वीडियो। उसके अलावा या फर्स्ट टाइम मेरा चेहरा देख रहे हो, वैसे मेरा चेहरा तो इस चैनल को कम कम आता है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो। तो वीडियो दे जा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो में याद रखिएगा, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।